हीरोपंती 2। नहीं भाई, लग गई इस फिल्म की तो। इस फिल्म के अंदर ना तो कोई कहानी है, ना ही रोमांस, ना ही कोई ड्रामा, बस है तो भर भर के एक्शन। इस फिल्म में आपको एक्शन और सिक्स पैक्स एप्स के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, सिक्स पैक्स एप्स का एक्टिंग से क्या लेना देना है। अब कुछ समझदार लोग मुझे कमेंट करेंगे कि भाई टाइगर श्रॉफ तो एक एक्शन हीरो है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उछल कूद करने वालों को एक्शन हीरो नहीं बल्कि बंदर कहा जाता है। एक्शन हीरो कहते हैं अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को, जिन्होंने हमें एक्टिंग भी दिखाई, कॉमेडी भी दिखाई, ड्रामा भी दिखाया, रोमांस भी दिखाई और साथ ही साथ में अपना एक्शन भी दिखाया। वो आदमी हमें पिछले 25 सालों से एंटरटेन करता आ रहा है। और रही बात टाइगर श्रॉफ की, तो उन्हें उछल कूद से अलावा और कुछ नहीं आता है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ की वजह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया का एक्टिंग करियर भी दांव पर लग चुका है। फिल्म को रिलीज हुए इतने दिन हो चुके हैं और अभी तक इसने 20 से 25 करोड़ रुपए तक नहीं कमाए हैं। बहुत बकवास। जीरो बंदी। बहुत बिल्कुल अच्छे। बहुत बकवास मूवी। जीरो। एक्चुअली जीरो। तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। एक्सपीरियंस तो बहुत खराब रहा, क्योंकि कुछ ना थीम पता चला ना सीन पता चला, तो लोगों को देखना नहीं चाहिए हीरोपंती टाइगर। अच्छा लगा, इतने भी अच्छा नहीं है। अच्छा, टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग बहुत एक्स्ट्रा है वो। हाँ, अच्छा नहीं माने। आउट ऑफ रेटिंग कितनी देगी? किसको? हीरोपंती को 0 ही है। देखो यार छोटी बच्ची, जब एक्टिंग नहीं हो रही है तो कुछ और काम करो, जरूरी थोड़ी है एक्टिंग ही करनी है। देखो यार, जैसी तुम्हारी बॉडी है ना, तुम किसी भी जिम में अच्छे खासे ट्रेनर बन सकते हो, तो क्यों एक्टिंग करके लोगों को पका रहे हो? देखो यार, मुझे तो तरस उन प्रोड्यूसर पे आता है जो इन पत्थर जैसे एक्टरों पर अपना पैसा बर्बाद करते हैं और न्यू टैलेंट को बिल्कुल भी मौका नहीं देते। आपको क्या लगता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ या गलत? और हाँ, अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे फिर से किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।